हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रप्राइज चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है यानी आज का जो विषय है हिमाचल पटवारी से रिलेटेड, वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो पहले आए थे लोग, जैसे आपके इलेक्शंस के बाद या स्वतंत्रता के बाद, या फिर जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था यानी राजस्व मिला था, हिमाचल प्रदेश जब इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे जो लोग थे पहले, उसके बारे में आज मैं आपको लाई हूँ। और इस स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पटवारी में ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हिमाचल प्रदेश का पहला इंसान कौन था, चाहे वो ओलंपिक्स में, चाहे गवर्नर कौन था, कोई मिनिस्टर कौन था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पहले इस्टेब्लिश। तो ये जो फैक्ट्स हैं या जो आज मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने एज इट इज़, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ इसमें क्रैम करना है यानी रट्टा मारना है। तो आपको जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो कौन कौन से फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, मतलब जो टॉपिक है कि पहले हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पहले जो चीज़ें हुई हैं वो कौन कौन सी थी, कौन आया था, किसने बनाया था, उसके बारे में, और आपको वो याद करनी है। आपसे यही कहूँगी कि इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल, इतनी टेंशन भी मत लीजिए कि पेपर बहुत हाई फाई होगा, पेपर बहुत सिंपल सा होगा। अगर आपने मन लगा कर पढ़ा होगा और अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको पेपर बहुत सिंपल सा लगेगा। और इसके साथ साथ आप बुक्स भी और प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जितना मटेरियल हम दे रहे हैं आप उसको भी तैयार कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन आया, उसके बारे में बता रही हूँ। तो पहले है कि पहला गवर्नर, कि हमारे हिमाचल का सबसे पहला राज्यपाल कौन था। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में अभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बताया है कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है इस टाइम पर, वो कौन बनने वाले, बंधारू दत्तात्रेय। तो इस टाइम पे, और जो हिमाचल में सबसे पहले आए, देखो हिमाचल प्रदेश में कई राज्यपाल आए हैं, कई बार आए हैं, आपने जो हमने अपने उसमें सुने हैं वो नाम सुना है, आचार्य देवव्रत, कलराज मिश्र, और भी जितने भी आए हैं, शीला कौल, ये सारे जो हैं आपके गवर्नर्स। तो आप इनसे जो है कौन गवर्नर आए हैं उसके बारे में, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला गवर्नर था यानी राज्यपाल था, वो था एसएस चक्रवर्ती, जो हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल। यानी ये जितना भी मैं आपको फैक्ट दे रही हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स दे रही हूँ, इनको आपको लर्न करना है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। फर्स्ट गवर्नर, मतलब हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, राज्यपाल कौन थे, एसएस चक्रवर्ती। फिर है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री, अभी के मुख्यमंत्री कौन है, श्री जयराम ठाकुर। उससे पहले कौन थे, श्री वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह। फिर कौन आए, प्रेम कुमार धूमल, ये सारे हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन है, वो है डॉक्टर वाई एस परमार, यानी यशवंत सिंह परमार। तो पहला मुख्यमंत्री भी आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ये चीफ कमिश्नर क्या है, कि जब हिमाचल प्रदेश का नाम लाया गया तो वो कब लाया गया था, 15 अप्रैल 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश बना था 30 रियासतों को जोड़ के। तो उस टाइम पे जब रियासतों को जोड़ा था तो हिमाचल प्रदेश को, उस टाइम पे ये मिनिस्टर्स वगैरह ये जो थे मंत्री नहीं होते थे, उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश को कौन सा वो दे दिया गया था, उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस में डाल दिया गया था। तो उस टाइम पे जो हमारे कमिश्नर थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर हिमाचल, जब 30 रियासतों का बना था हिमाचल, तो उसका नाम याद रखना, श्री एनसी मेहता, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ईपी मून, कई बार ईपी मून भी पूछा जा सकता है, कई बार आपको नाम पूरा दे दिया जाएगा, ई पेंड्रल मून। उसके बाद है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, लोकायुक्त, पहला लोकायुक्त वो है मेजर जनरल हिम्मत सिंह, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, हमारे हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, मिसेस शीला कौल, जिनका अभी निधन हुआ है। उसके बाद
फर्स्ट चीफ जस्टिस. फर्स्ट चीफ जस्टिस का मतलब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मिर्जा हमीदुल्ला बेग. इनका नाम याद कर लीजिए. पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ. ये भी याद रखना कि पहले मेल जो है वो मुख्य न्यायाधीश वो तो है मिर्जा हमीदुल्ला बेग. हिमाचल प्रदेश में एक महिला मुख्य न्यायाधीश भी जो थी वो कौन सी थी? लीला सेठ. फिर है फर्स्ट HPPSC चेयरमैन, यानी पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे एग्ज़ाम्स लेते हैं या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स लेते हैं, उनका जो पहला चेयरमैन था वो है मिस्टर KS कटोच. फर्स्ट विधानसभा स्पीकर, मतलब जो स्पीकर है विधानसभा का वो पहला कौन था? पंडित जयवंत राम. ठीक है. और पहला विधानसभा डिप्टी स्पीकर कौन था? वो है मिस्टर कृष्ण चंद्र. तो ये नाम आपको याद रखने हैं. फिर मैं आपको स्टूडेंट्स, अभी आप पहला याद करो, फिर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो हमारे अभी रिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं उनके बारे में, जो हिमाचल प्रदेश में अभी का चल रहा है जनवरी से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में भी आपको डाटा दूंगी. उसके बाद है फर्स्ट विधानसभा वुमेन स्पीकर, मतलब पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो थी वो है मिसेस विद्या स्टॉक. फर्स्ट लोकायुक्त, पहला लोकायुक्त कौन था? फर्स्ट जो था वो TVR टाटाचारी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. ये है फर्स्ट लोकायुक्त, पहला लोकायुक्त स्टूडेंट्स ये है TVR टाटाचारी. फिर है पहला चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो है हिमाचल प्रदेश के वो है मिस्टर KL मेहता. उनके नाम याद कर लीजिए. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसका जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, उसका जो चेयरमैन था पहला वो है मिस्टर हीरा सिंह ठाकुर. इस पे पीछे ये बंद भी कर दी गई थी. फर्स्ट गवर्नर टू डाई इन ऑफिस, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पहला ऐसा राज्यपाल बताओ हिमाचल प्रदेश का जो ऑफिस में ही जिनकी डेथ होगी थी, तो कार्यकाल में ही डेथ होगी थी, वो है मिस्टर सुरेंद्र नाथ. फिर उसके बाद है फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस, मतलब ऐसी ये स्पोर्ट्स से आता है कि विक्टोरिया क्रॉस जिसने क्रॉस किया था पहली विजेता कौन थी? जमादार. ये अवार्ड दिया गया है तो ये है जमादार लाला राम. पहला विनर जो था विक्टोरिया क्रॉस जो एक अवार्ड है उसका जो पहला विजेता था वो है जमादार लाला राम. फिर है पहला परमवीर चक्र विनर, मतलब जो परमवीर चक्र है उसके जो विजेता हैं पहले हिमाचल प्रदेश के वो कौन है? मिस्टर सोमनाथ शर्मा. तो ये जो पहले वाले हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पहला ये परमवीर चक्र विजेता कौन है? मिस्टर मेजर सोमनाथ शर्मा. और पहला पर्सन यानी पहला इंसान जिसने हिमाचल प्रदेश का पहला इंसान कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था? वो है मिस्टर सुनील शर्मा. फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पहला जो चीफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना देने वाला जो कमिश्नर है वो है मिस्टर PS राणा. फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम HP, HP का पहला आर्मी चीफ कौन है? वो है जनरल VN शर्मा. तो ये डाटा आप याद कर लीजिए प्लीज़. फिर है फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट, मतलब जो पहला हाइडल प्रोजेक्ट जिससे हमने बिजली उत्पादित की थी वो है पहला गिरी हाइडल प्रोजेक्ट, ये है. उसके बाद सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन कब हुए? वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला जो है लोकसभा इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो कब हुए थे? वो हुए थे 1952 में, यानी 1952 में. और विधानसभा इलेक्शन कब हुए थे? वो हुए थे 1951 में. बोथ आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर जनरल, इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो जिसने शिमला को विजिट किया था वो कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट. मतलब पहला गवर्नर जनरल जिसने हिमाचल पे विजिट किया था. और फर्स्ट पक्का हाउस इन शिमला,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट पक्का हाउस जो है शिमला में वो कौन सा हाउस है, उसका नाम है कैनेडी हाउस इन 1822 में। ये पहला पक्का हाउस का मतलब ये पक्का हाउस कोई नाम नहीं है, मतलब जैसे पहले लोग जो थे हिमाचल में वो कच्चे घरों में रहते थे, तो जो ये पक्का हाउस है कि मतलब पहली बार हिमाचल में एक प्रॉपर बिल्डिंग जिसमें सीमेंट ईंटें वगैरह लगी थी वो उसको बोलते हैं पक्का हाउस। तो पहला पक्का जो हिमाचल में पहली बार जो पूरी अच्छे तरह से जो घर बनाया गया था उस घर का नाम है कैनेडी हाउस। तो और वो कब बनाया गया था 1822 एडी में। तो प्लीज़ ये पक्का हाउस का मतलब कुछ और मत समझना, मींस कि फर्स्ट टाइम द घर जो घर है वो प्रॉपर सीमेंट वगैरह से बनाया गया। नेक्स्ट फर्स्ट रेलवे लाइन, ये भी आता है कि पहली रेलवे लाइन कौन सी है, और इसको एक और चीज़ है यूनेस्को ने हेरिटेज साइट से भी डिक्लेयर किया है, कालका शिमला रेलवे कब बनाई गई थी, 1903 में बनाई गई थी। ठीक है, और इसके बारे में आपको रेलवे जब हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगी कि कितनी टनल्स हैं, कितने मीटर हैं, तो 103 टनल्स हैं, कितने ब्रिजेस हैं वो सारे। फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कांगड़ा, मतलब पहला मुगल रूलर मुगल राज्य का जिसने कांगड़ा में विजिट किया था, कांगड़ा के कहाँ आया था, वो आया था ज्वालामुखी में, तो ये है अकबर। फर्स्ट हिमाचली टू बिकम चीफ जस्टिस, मतलब ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स उसको देखो, पहला हिमाचल का जो इंसान है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था, मतलब न्यायाधीश, तो वो कौन सा था, वो है मेहर चंद महाजन, एमसी महाजन जो है वो पहले हिमाचल के इंसान थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस काम किया गया है। फर्स्ट हिमाचली टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स, मतलब यहाँ पे वर्ड आएगा, यहाँ पे मिस है बेटा, ओलंपिक्स, कि पहला हिमाचली जिसने इंडिया को ओलंपिक्स में जाकर रिप्रेजेंट किया था वो है मिस्टर चरणजीत सिंह, और किस में किया था, हॉकी में। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको अच्छे से याद करो, अगर आप इसको मतलब बोर्डम से करोगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहो कि पहला इंसान कौन था, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्या हज़ार बार जो मैंने आपको बताया फर्स्ट रेलवे लाइन, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए, और जितना भी है आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको याद कीजिए, और जो भी आपको क्वेरीज हैं वो हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, और अपने स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे जितना भी कंटेंट है उसको शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, हमारा चैनल यही चाहता है। Thank you and have a nice day.